तब जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह आवारा जानवरों को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है, लगातार उनकी ओर से आदेश जारी किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर करहल तहसील के ग्राम मानिकपुर साहस के दर्जनों ग्रामीणों ने एकत्रित होकर जिला अधिकारी को शिकायती पत्र दिया है। इस शिकायती पत्र में उन्होंने बताया है कि उनकी फसलों को गाय बछड़े और अन्य आवारा जानवर बर्बाद कर रहे हैं, जिससे किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। सभी किसानों ने जिला अधिकारी से अपनी इस समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। यहां शिकायत करने पहुंचे इन किसानों का कहना था कि 100 से अधिक संख्या में यह आवारा जानवर एकत्रित होकर खेतों में घुसते हैं और फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। सतवीर सिंह, सतवीर, आज यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पाए, क्यों आए, क्या समस्या? अरे हमारे लोगों की जमीन, 4-5 गांव की जमीन है, सब गईया परेशान करें, गईया और सांड सब खाए रहे हैं, सब बर्बाद कर दी जमीन को। इसलिए हम आए डीएम साहब से ज्ञापन देने, हमको कहीं ऐसी नहीं कि कहीं नहीं व्यवस्था करी जाए जहाँ हम लोग ले जा सकें, कई गौशाला में वो लिखा पड़ी दी जाए ना, लोग जानना ही दे, ले जाना ही दे। डीएम साहब से मुलाकात हुई आपकी? अभी नहीं मुलाकात, और बस हमारी कहीं नहीं व्यवस्था करी जाए ना, हम लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सब जमीन पूरी बर्बाद कर दी, पूरी देर से गैया है, 4-5 गांव के पीछे रुकी हुई गैया, कहाँ ले जाए, लोग परेशान कर रहे हैं बहुत, कहाँ दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो वे कह रहे हैं कहाँ से ले आए तुम गैया, हमारे यहाँ से गैया थोड़ी गैया तो जोर वोर ढीली हुई आवारा गैया आ रही है, और जो गैया ढीले उसमें कार्रवाई करी जाए, डीएम साहब ये निर्देश कर दे जो गैया ढीले ना जाए उसके नाम। अगर आपको जानना है मैनपुरी की छोटी बड़ी खबर का हाल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।